सामने लेकर आ रहे हैं एक नया टॉपिक, संबंधों की कुल संख्या। दो सेट दिए गए हैं, ए क्रॉस बी निकालेंगे, कार्तिक गुणनफल, तो उसमें बनने वाले संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आते हैं संबंधों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। जितने भी उसके उप समुच्चय बनेंगे, ए क्रॉस बी जो निकलेगा उसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उसके बराबर होती है, उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वो स्मॉल पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी स्मॉल क्यू है, तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, पी इंटू क्यू हो जाएगा। और उप समुच्चय, तब उप समुच्चयों की संख्या तो 2 to the power PQ हो जाएगा। और संबंधों की कुल संख्या वह भी उतनी ही होती है, 2 to the power P into Q होती है। तो उप समुच्चयों की संख्या और संबंधों की संख्या समान होती है, तो संबंधों की कुल संख्या 2 to the power P into Q होती है। संबंध ए, ए से बी में संबंधों की कुल संख्या, टोटल बनने वाले संबंध कितने बनेंगे, तो 2 to the power NA into NB होंगे। उदाहरण के लिए यहां पर मैं बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, यदि ए बराबर 1, 2 है और बी बराबर 2, 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 2, ए और बी में संबंधों की कुल संख्या इसी फार्मूले से, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 into 2, 2 to the power 2 into 2, 2 to the power 4, 2 to the power 4 मतलb 16। तो यहाँ पर 16 संबंध बनेंगे, 16 संबंध। अब हम आ रहे हैं अगले टॉपिक पर, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको हमको बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, बहुत सारे क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं, हमको समझना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं अगर हमको ये क्लियर नहीं होता है। तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आता है डोमेन। डोमेन मतलब होता है रिलेशन को परिभाषित करना, रिलेशन को परिभाषित करना। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के, संबंध आर जो भी संबंध होगा, संबंध आर, हम संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को, सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं। फिर से समझेंगे, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर, जो भी संबंध होगा, जो भी संबंध हमको बनाना पड़ेगा, संबंध आर के क्रमित युग्मों, संबंध आर का क्रमित युग्मों के जो भी क्रमित युग्म बनेंगे उनके सभी प्रथम घटकों के समुच्चय, सभी प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध आर का डोमेन कहलाता है। Therefore, domain of relation R is equal to X is such that X Y belong करता है R, ठीक है। इसी प्रकार से range, range का definition बोलता है समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के, संबंध R के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय, द्वितीय घटक, ये प्रथम घटक होता है, ये द्वितीय घटक, द्वितीय घटकों के संबंध आर का परिसर या रेंज कहलाता है, ठीक है। रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू वाई, जहां पर एक्स वाई बिलोंग करता है आर को। तीसरा डेफिनेशन आता है हमारे पास कोडोमेन। कोडोमेन किसको कहते हैं, यदि आर समुच्चय ए से बी में संबंध है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध है, तो समुच्चय बी, ध्यान देंगे, समुच्चय बी, खाली समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत या कोडोमेन कहलाता है। समुच्चय बी को कोडोमेन बोला जाता है, समुच्चय बी को क्या बोला जाता है, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे आते हैं, मैं एक उदाहरण से इसको क्लियर करना चाहता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर लिखा है यदि ए बराबर, हमने एक सेट ले लिया ए बराबर 1, 2, 5, ठीक है। अब हमने एक सेट लिया बी बराबर 2, 4, दो सेट है, तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लें। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकलेगा 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 5, 4, ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी।
अब हमारे पास एक संबंध है जो इस प्रकार से परिभाषित है, संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स वाई रिलेटेड टू, एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन को, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है। किस प्रकार का रिलेशन है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका जो पहला घटक है और दूसरा घटक है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है कि एक्स छोटा होगा वाई से, यानी पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बड़ा होना चाहिए। तो इस सेट में से जो क्रमित युग्म है, इसमें से पहला एलिमेंट छोटा हो, दूसरा एलिमेंट बड़ा हो, पहला एलिमेंट छोटा हो, दूसरा एलिमेंट बड़ा हो, पहला एलिमेंट छोटा हो, दूसरा एलिमेंट बड़ा हो, बाकी ये तो नहीं आएंगे। तो हमारे पास आ गया रिलेशन में 1 2 1 4 2 4, पहला एलिमेंट छोटा है, दूसरा बड़ा है, पहला छोटा है, दूसरा बड़ा है, छोटा बड़ा, ठीक है। अब इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन के लिए हमको बोला है कि सभी पहले अवयव का समुच्चय, सभी पहले घटक का समुच्चय, पहले घटक का समुच्चय 1 1 2, तो 1 2 आ जाएगा, क्योंकि जो दो बार होता है उसको एक बार लिखते हैं सेट थ्योरी में। तो डोमेन हो गया आर बराबर 1 2। अब हमको रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए बोला कि द्वितीय घटक का समुच्चय 2 4 4, लेकिन 4 2 बार है तो हमको 2 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कोडोमेन की बात कर रहे हैं, कोडोमेन के लिए बोला कि सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं, सेट बी को ही क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो कोडोमेन हो गया 2 4, कोडोमेन हो जाएगा 2 4, ओके। इस प्रकार से अब हम आते हैं आपके पास एक नया संबंध लेकर, संबंध का नाम है प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है? यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर है तो इसका प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स, ऐसे लिखेंगे प्रतिलोम संबंध को, आर इनवर्स समुच्चय बी से समुच्चय ए में निम्नानुसार परिभाषित होता है, आर इनवर्स प्रतिलोम संबंध, ठीक है। इनवर्स रिलेशन इज इक्वल टू वाई एक्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे, वाई एक्स यहाँ पर x और y होता है, पलट जाता है वाई एक्स, सच दैट एक्स वाई बिलोंग करता है r को, अतः संबंध r का प्रतिलोम संबंध r इनवर्स वह समुच्चय है जो r के प्रत्येक क्रमित युग्म के, जो r के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयवों को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। r के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयवों को बदलने से प्राप्त होता है, अर्थात एक्स वाई अगर बिलोंग करता है आर को, तब वाई एक्स बिलोंग करेगा आर इनवर्स को। आर इनवर्स सबसेट होता है बी क्रॉस ए का, इंप्लाइज दैट आर इज सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यदि आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो आर इनवर्स सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। साथ ही यहां पर डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डोमेन ऑफ आर वो होता है रेंज ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर जो होगा वो रेंज ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा, और डोमेन या रेंज ऑफ आर जो होगा वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा।